गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर दो बड़े चेंजेस जो हैं वो कर दिए गए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर न्यू टैब जो है वो अब इस पर्टिकुलर कॉलम में ऐड किया गया है, जहां पर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो डेटा है वो अब अपलोड करने के साथ साथ ऑनलाइन वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अंदर दो फील्ड्स मैंडेटरी कर दी गई हैं हम लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले। उसमें आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जी हां फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल लगाते हैं, अब सिर्फ बिल लगाने से काम नहीं चलेगा, कौन से वाले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपका कनेक्शन है उसका नाम आपको लिखना है, और उसमें आपको अपना कंज्यूमर नंबर जो है वो भी अब एंटर करना होगा, जिसको वेरीफाई किया जाएगा ऑनलाइन मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का डेटा जो है वो अब आप लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, जीएसटी पोर्टल पे ये चीजें लाइव कर दी गई। ये जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी डेटा वगैरह वगैरह डाल करके, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने से पहले जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, उस फिजिकल वेरिफिकेशन के नए प्रोसेस को जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलने जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूं जो प्रपोज्ड रूल है वो क्या कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में। यहां पर आप देखेंगे रूल 25 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टन केसेस की बात करी गई है, जिसमें पुराना वाला ये रूल जो है वो इन्होंने डिलीट कर दिया है और नया रूल जो है वो अब इंसर्ट करके आपको दिया गया है। इसके अंदर दो सब रूल दिए गए हैं, सब रूल 1 एंड सब रूल 2। सब रूल 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो सब रूल 1 में जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा ये पोस्ट रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करता है, और ये बात करता है प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन की। तो सबसे पहले समझिए, प्री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके लिए क्या प्रोविजन है। इसमें सिंपल सी बात ये लिखी गई है कि जहां पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड क्यों है उसके बारे में लिखा गया है, बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द सर्कमस्टांसेस, रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा कौन से सर्कमस्टांसेस में, जो कि दिए गए हैं रूल 9 के सब रूल 1 के प्रोविजो के अंदर। बेसिकली इसमें यह बात बताई जा रही है कि सब रूल 1 ऑफ रूल 9 में जो बात लिखी गई है एक्सेप्शन के अंदर, जहां पर आपको मैं एक समरी में बता दूं कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं और आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो जनरल रूल ये है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। रूल 9 सब रूल 1 ये कहता है, उसका प्रोविजो ये कहता है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट किया बट आपने कंप्लीट नहीं किया प्रोसेस, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपने आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया, सब कुछ किया, लेकिन आपका जो डेटा है वो हाई रिस्क डेटा लगता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो उस केस में भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कमिश्नर को लगता है कि आपका कमिश्नर या आपका जो डेटा है वो सही नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ झाला पाया गया है प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। ये सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं रूल 9 के अंदर। तो प्री रजिस्ट्रेशन इन तीन सिचुएशंस में आपका अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर को करने के लिए अधिकार जो है वो दे देता है। जहां आगे बात लिखी गई है, द पीओ शैल गेट सच वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस डन एंड द वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करना होगा इंक्लूडिंग द फोटोग्राफ्स इन REG 30। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 5 दिन से पहले, यानी कि रजिस्ट्रेशन मिलने के 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ऑन द कॉमन पोर्टल एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड
स्पेसिफाइड इन द सेड प्रोविजो, मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया है रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए उसके 5 दिन, कम से कम 5 दिन पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके REG 30 में डेटा अपलोड करना है ताकि रजिस्ट्रेशन गलत व्यक्ति को ना दी जाए। तो ये हो गया प्री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले। मान लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसके लिए रूल 25 सब रूल 1 बात करता है। ये क्या कहता है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सैटिस्फाइड, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन द बिजनेस प्लेस का करवाया जा सकता है और उसका रिपोर्ट REG 30 में अपलोड किया जा सकता है 15 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। तो ये नए प्रोविजंस आपके बिजनेस प्रीमाइसेस को फिजिकली वेरीफाई करने के लिए अब रूल 25 में दे दिए गए हैं। तो अब आप लोगों को सतर्क होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अभी तक काफी लोग क्या सोचते थे, वो ये सोचते थे कि हमने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया तो अब हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप रूल 9 का सब रूल 1 पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने यही लिखा है कि आपको जो है अपना एप्लीकेशन वगैरह डाल देना है, 7 वर्किंग दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन जो है वो या तो अप्रूव हो जाएगा या उसमें कुछ क्वेरी वगैरह जो है वो चीजें दे दी जाएंगी। तो यहां पर इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो भी स्पेसिफाई करके दे दिया गया है। तो सारी चीजें टाइम बाउंड मैनर में जो है वो अब होने जा रही है। अगर आपको सेक्शंस, रूल्स, इन चीजों में कंफ्यूजन रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आप सीखना चाहते हैं GST के अंदर कंप्लीट कवरेज, तो आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए आ गया है पहली बार GST प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स। फुल कोर्स का मतलब फुल कोर्स, 100% कवरेज ऑफ GST प्रोविजंस। जी हाँ फ्रेंड्स, 100% कवरेज। किस तरीके से, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन, इनवॉइस, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, लेवी एंड कलेक्शन, और समरी में नहीं, डिटेल्ड डिस्कशंस आपको मिलने जा रही है। कम से कम 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको मिलेंगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बेतहाशा ले सकते हैं। इसमें आगे आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इतनी आसान प्रोसेस के साथ आप अपना प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकेंगे, जिसमें IGST का सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, हर एक सेक्शन आपको काफी डिटेल में बताया गया है। इसके बाद असेसमेंट, ऑडिट, नोटिस किस तरीके से मिलना चाहिए, क्या उसका मैकेनिज्म है, ये सारी बातें। एडवांस रूलिंग, अरेस्ट प्रोविजंस आपको बताए गए हैं कि क्या है एडवांस रूलिंग के प्रोविजंस, अरेस्ट प्रोविजंस। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अपील कैसे फाइल करनी है, रिटर्न फाइलिंग का क्या प्रोसेस है, नोटिस रिप्लाई के लिए क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, वैल्यूएशन किस तरीके से आपको जीएसटी में करना है, जिसमें आपको डिस्काउंट, मार्जिन स्कीम, ये बातें बताई गई हैं। ई वेबिल रूल्स, ई इनवॉइसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा डिस्कशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। रिफंड, ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ रिफंड विथ लाइव फाइलिंग, ये भी आपको इसमें दिया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क का एंटायर कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा, हर एक कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हर एक एंट्री आपको डिटेल में बताई गई है। डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट है, रियल एस्टेट, पेमेंट ऑफ टैक्स, जीएसटी कंपोजिशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स। तो इतने सारे कवरेज के साथ आपको ये फुल कोर्स दिया जा रहा है। नाम का फुल कोर्स नहीं है, ये काम का फुल कोर्स होने जा रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें अभी आपको डिस्काउंटेड ऑफर में इसकी प्राइसेस जो है वो अवेलेबल करा दी जाए। यहां पर आप हमारा प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, GST प्लेटफॉर्म,
और वहां पर भी ये कोर्स जो है अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में भी दिया गया है। और जीएसटी इनकम टैक्स की मंथली अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।